हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रियल सिविल इंजीनियर्स। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज का सेवेंथ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में हम पढ़ चुके थे, अब हम इसमें देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बीम का सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती है, जिसमें कि अपन रीइन्फोर्समेंट कंप्रेशन जोन में भी देते हैं एज वेल एज टेंशन जोन में भी रीइन्फोर्समेंट, और एज वेल एज कंप्रेशन जोन में भी रीइन्फोर्समेंट देते हैं। ठीक है, तो टेंशन जोन के रीइन्फोर्समेंट को AST कहते हैं, वेयर T स्टैंड फॉर टेंसाइल रीइन्फोर्समेंट, और कंप्रेशन जोन के रीइन्फोर्समेंट को ASC कहते हैं, वेयर C स्टैंड फॉर कंप्रेशन स्टील या कंप्रेशन रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस क्या है, तो मान लीजिए कि इसका एक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस ये है। ठीक है, तो अब हम इसका एक इक्विवेलेंट सेक्शन बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सेक्शन में क्या करते हैं, हम एरिया को कंक्रीट के टर्म में लिख देते हैं, जो भी स्टील का एरिया सेक्शन में है उसको कंक्रीट के टर्म में लिख देते हैं, इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो स्टील का एरिया है इसको इक्विवेलेंट कंक्रीट के एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे स्टील बार्स को हटा करके एक ऐसी स्ट्रिप बना देते हैं, इसको हम M into AST बोल देते हैं। तो ये जो हो गया एरिया ऑफ इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया स्टील के टर्म्स में। ठीक है, इसी प्रकार जो न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी जो हमने स्टील बार्स हैं इनको हटाया, तो ये स्टील बार्स को हमने बाहर खींच दिया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको सॉलिड पोर्शन में बनाया था, इसको मैंने इंटेंशनली ऐसा हॉलो बनाया जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो स्टील बार्स लगी हुई थी उसको मैंने स्टील बार्स को खींच के निकाल दिया। और जब स्टील बार्स को खींच के निकाल लिया तो एज अ कंपनसेशन उतने ही अमाउंट का एरिया इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये जो उतने ही अमाउंट का एरिया मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, और जो ये एरिया इक्विवेलेंट होता है इसको कहते हैं 1.5 M into ASC। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने 1.5 into M into ASC क्यों किया, नीचे तो सिर्फ M into ASC किया था, क्योंकि जो कंप्रेशन रीइन्फोर्समेंट रहता है इसमें इलास्टिक स्ट्रेन रहता है, तो इलास्टिक स्ट्रेन तो M into ST रहता है, लेकिन इसमें एज वेल एज इलास्टिक स्ट्रेन के साथ साथ 50% इसमें प्लास्टिक स्ट्रेन भी रहता है, तो वो 50% प्लास्टिक स्ट्रेन के कारण ये 150% हो जाता है जो इक्विवेलेंट एरिया रहता है। तो ये 1.5 into M into ASC। अभी हमें इसकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं है। तो मान लिया जी हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है XC। अब हम इसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये इसका स्ट्रेस डायग्राम है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको पता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ होती है जहां पर कॉन्क्रीट और स्टील दोनों ही अपनी परमिसिबल लिमिट पर एक साथ ही पहुंचते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये आपका ये कॉन्क्रीट है, पहले एक सीधी लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल लेवल पे, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी सीधी। ठीक है, अब आप देखिए जब इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हम जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आता है, तो जब इस बीम में लोडिंग होगी तो बीम स्ट्रेस लेना चालू करेगी। तो यहां से मान लीजिए यहां स्ट्रेस जीरो था, यहां से बीम ने स्ट्रेस लेना चालू किया और ये अपनी परमिसेबल लिमिट पे पहुंच गया। ये हमने मान लिया कि परमिसेबल लिमिट है σ CBC, तो यहाँ पे ये अपनी परमिसेबल लिमिट पे पहुंच गया, और यहाँ पे भी स्टील ने टेंशन लेना चालू किया। तो स्टील में हम क्या करते हैं, स्टील जहां पर भी स्टील प्रोवाइड रहता है उसके सामने एक जस्ट सीधी लाइन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट का एरिया निगलेक्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए ये जो अपनी भी परमिसेबल लिमिट पे ये पहुंच गया σ ST, तो क्योंकि σ ST/M, तो जब कंक्रीट और स्टील दोनों ही अपनी परमिसेबल लिमिट पे साथ साथ मिलते हैं तो उस डेप्थ को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, और जैसे न्यूट्रल एक्सिस पे आएगा तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं रहते, जीरो स्ट्रेस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्क्रीट का एरिया निगलेक्ट रहता है, इसलिए इसको जस्ट एक लाइन से शो करते हैं और हम इसको जस्ट डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं, ताकि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्क्रीट नहीं है, निगलेक्टेड एरिया है। ठीक है, अब इसमें भी डबली रीइन्फोर्स बीम में भी तीन तरह के सेक्शन होते हैं, अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन, ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन में क्या केस होता है। अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, अंडर रीइन्फोर्स यानी कि स्टील इसमें कम है, स्टील अगर कम है तो पहले अपनी परमिसिबल लिमिट पे स्टील पहुंचेगा, यानी कि जो TA/M होगा,
ये तो अपना सिग्मा एस टी बाई एम तक पहुंच जाएगा, स्टील अपने परमिसेबल लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टील ने स्ट्रेस लेना शुरू किया और यहाँ तक स्टील पहुंच जाएगा अपनी परमिसेबल लिमिट तक। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट हैं ये क्या होंगे, कम होंगे परमिसेबल लिमिट इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन से, क्योंकि स्टील का मैं स्टील अपनी परमिसेबल लिमिट पर पहुंच गया, लेकिन कंक्रीट ने जब स्ट्रेस लेना चालू किया तो कंक्रीट अपनी परमिसेबल लिमिट पर ना पहुंच के सिर्फ यहीं तक पहुंच पाया। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो दो पॉइंट से आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जाती है, तो इन दोनों पॉइंट को जब हमने मिलाया तो ये आपको जब जहां पे ये वर्टिकल लाइन को कट करेंगे तो इसने इस इधर इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन को कट किया, तो आपको अब ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये हो गई एक्स ए, तो एक्स ए है, तो अभी ये इसको अपन सीधा यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल गई। तो अब आपको पता चल गया कि कॉन्क्रीट में कंप्रेशन कहाँ तक आएगा, कॉन्क्रीट में कंप्रेशन यहाँ तक आएगा और ये वाली जो डेप्थ है ये वाली डेप्थ कहलाएगी आपकी एक्स ए, और ये जो है कॉन्क्रीट की ब्रेथ ऑफ द सेक्शन है बी, ठीक है, ये हो गई आपकी डेप्थ टॉप एक्सट्रीम फाइबर से टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ, टॉप एक्सट्रीम फाइबर से बॉटम एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ कहलाती है, ठीक है। ये हमने इफेक्टिव कवर दे रखा है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का, इसको स्मॉल ईसी से डिनोट कर देते हैं, और ये हमारा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का कवर है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के कवर को हम डीसी से शो करते हैं डीसी, ठीक है। तो ये आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का केस का बन गया, एक्ससी आप जानते हैं एक्ससी हमने ये माना था, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक्स ए जो है एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्स ए, मतलब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसमें ज्यादा आ रही है। तो ये जो ये तो सी ए हो गया और ये टी बाई एम टी ए बाई एम हो गया, ये तो हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में भी करते थे, लेकिन इसमें अलग बात ये हो जाती है कि जो आपने कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दे रखा है इसके लेवल पे इसके जस्ट सीध में ये जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है इसके सीध में भी एक पॉइंट पे स्ट्रेस आएगा, तो ये वाला स्ट्रेस भी आपको उसमें कैलकुलेट करना होता है कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में कितना स्ट्रेस आएगा, तो इसको हम सी डैश नाम दे देते हैं सी डैश, ठीक है। तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो इसमें क्या हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था सी वन इंटू लीवर आर्म वन प्लस सी टू इंटू लीवर आर्म टू, ठीक है। अब डबली इन्फोर्स बीम के केस में जब भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे आप हमेशा इसको कंप्रेशन साइड से ही निकालेंगे, भूल कर भी आप इसको टेंशन साइड से नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि हम टेंशन साइड से निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं टेंशन साइड से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें स्ट्रेस डायग्राम को सी वन सी टू को समझने के लिए एक बार और स्ट्रेस डायग्राम को हम थोड़ा एक लार्ज स्केल पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सारी डायमेंशंस को मार्क कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट था, ये हमारी एक्से थी, ठीक है, यहां पे क्या है आपकी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट थी, ठीक है। अब सारी डेप्थ को मार्क कर लेते हैं, ये बताइए बीम के टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ओवरऑल डेप्थ, इसको कैपिटल डी से शो करते हैं। बीम के टॉप मोस्ट फाइबर से टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की बार के सेंटर तक के डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो कवर है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का इसको डी सी बोलते हैं, और इस पे जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का कवर है इसको ईसी इफेक्टिव कवर बोलते हैं, इसको डीसी बोलते हैं, ठीक है। जो बीम की ब्रेथ होती है कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है इसको हमने, और ये डी इफेक्टिव हो गई, सारी चीज़ें मार्क हो गई हैं। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स ए है ये डी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डी माइनस एक्स ए हो जाएगी, ठीक है। आप इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए आप इसको सीधा प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक है।
तो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो स्टील के लेवल पे है, स्टील के लेवल पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंक्रीट का एरिया नेगलेक्ट करते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो ये हमें पता है ये क्या हो गया, टी ए बाई एम तो हो गया आपका, टी ए बाई एम तो सिग्मा एस टी बाई एम के बराबर हो गया, परमिसेबल लिमिट पे पहुंच गया, ठीक है। और इसकी परमिसेबल लिमिट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये सिग्मा सी बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जो परमिसेबल लिमिट्स को जो डेप्थ मिलाएगी, ये तो आपकी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये तो आपकी एक्स सी हो गई, ठीक है। लेकिन जो आपका कंप्रेशन स्टील है, इसके लेवल पे आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए पहले। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगा, ये मिलेगा आपको C1, ठीक है। आप देखें एक्चुअल सिनेरियो क्या हो रहा है अंडर रिइंफोर्स केस में, कि यहाँ पे जब स्ट्रेस लेना शुरू किया स्टील ने, तो ये तो अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच गया, क्योंकि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है। लेकिन कंप्रेशन ने, जब आपने कॉन्क्रीट ने स्ट्रेस को लेना शुरू किया, तो यहीं तक पहुंचाइए, ये आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये अंडर पूरी का परमिसेबल लिमिट तक नहीं पहुंचता है। तो इन दोनों पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन जहां इस वर्टिकल लाइन को कट करेगी, वो हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये हमें मिल गई हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स से। अब C1 C2 को मार्क कर लेते हैं। यस, आपका एक ये तो C1 हो गया, और ये आपका हो गया एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट सी है, जो कि लेस होगा सिग्मा सीबीसी से, ठीक है। अब फोर्स की पोजीशन को मार्क करते हैं। एक फोर्स तो यहाँ पे इसकी सीजी पे लगेगा, ये लग गया आपका मान लीजिए C1, ठीक है। क्या है सीजी, ट्राइंगल की सीजी बेस से कितनी होती है, हम जानते हैं कि बेस से सीजी होती है XA/3, XA/3, तो ये हो गया Y1, ठीक है। लेकिन एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, ये स्टील है, स्टील में स्ट्रेस आया, जहां पे स्ट्रेस आया और जिसमें एरिया है, तो उसमें फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा आपका C2, ठीक है। तो इसकी सीजी कहाँ है, इसके बार के सेंटर पे ही है, बार का सेंटर ऊपर से कितनी दूरी पे है, DC पे। तो जो ये होगा आपका Y2, ये Y2 है, ये कितना हो जाएगा आपका DC, ठीक है। और यहां पे आपका टेंसाइल फोर्स लग ही रहा है, ये आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है T। तो C1 और T1 T के बीच का डिस्टेंस लीवर आर्म बर्न क्या हो जाएगा आपका, यहां से लेके टॉप से लेके यहां तक का डिस्टेंस है D। इफेक्टिव डेप्थ, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये XA/3 है। तो ये वाला डिस्टेंस C1 और T के बीच में T-XA/3 हो जाएगा, D-XA/3, ठीक है। अब लीवर आर्म 2 की बात कर लेते हैं। जो C2 और T के बीच की फोर्स है, ये लीवर आर्म 2 है, जो डिस्टेंस है C2 और T के बीच की, ये आपका लीवर आर्म 2 है। तो लीवर आर्म 2 क्या हो जाएगा, सब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस D है, और यहाँ पे जो C2 फोर्स लग रहा है, ये ऊपर से DC डिस्टेंस पे है। तो C2 और T के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, T-DC, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लिखते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से क्या होगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। C1 क्या है, C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। C1 क्या है, कंप्रेशन फोर्स 1। कंप्रेशन फोर्स 1 क्या होगा, देखिए ये C1 ये लग रहा है, इस ट्राइंगल पे लग रहा है, और कितने एरिया पे लग रहा है, ये आपका एक्स से ये गया, एक्स से एक्चुअल में यहीं तक है। तो ये एक्स से हो गया, कितने एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, फोर्स कुछ नहीं है, स्ट्रेस इनटू एरिया है। तो स्ट्रेस हमें पता है कि यहाँ पे तो स्ट्रेस सी ए लग रहा है, और यहाँ पे स्ट्रेस जीरो हो जा रहा है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म में लग रहा है। तो इसका हम एवरेज स्ट्रेस लेते हैं, तो एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म 1, ठीक है। C1 की बात कर रहे हैं हम, तो
सी वन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है सी ए प्लस नीचे लग रहा है जीरो बाई टू एवरेज स्ट्रेस ले लिया, इंटू कितने एरिया में कंप्रेशन फोर्स वन कितने एरिया में लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स वन आपका इस एरिया में लग रहा है, ये लग रहा है आपका सी वन, इतने एरिया में लग रहा है, तो कितने में लग रहा है, ये आपका बी इंटू एक्स ए, तो एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एक्स ए, और लीवर आर्म वन हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, लीवर आर्म वन कितना है डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, तो इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये तो आपका सी वन हो गया। अब सी टू की कैलकुलेशन करते हैं, सी टू क्या है, सी टू इस पे लग रहा है ये कंप्रेशन स्टील जो हमने दे रखा है, यहाँ पे सी टू लग रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, यहाँ पे स्ट्रेस हमने लिया सी डैश, यहाँ पे सी डैश स्ट्रेस लिया था हमने, ठीक है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू लीवर आर्म टू, तो स्ट्रेस कितना लग रहा है इसमें सी डैश, लेकिन एरिया कितना है, एरिया इक्विवेलेंट एरिया लेते हैं हम, इक्विवेलेंट एरिया इसका कितना है 1.5 एम इंटू ए एस सी, सी डैश इंटू 1.5 एम इंटू ए एस सी, ये तो कंक्रीट का एरिया हो गया, इक्विवेलेंट एरिया में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है हम कंक्रीट का एरिया निगलेक्ट नहीं करते कंप्रेशन जोन में, तो ये जब बार्स हॉलो हो गई, सॉलिड से हॉलो हो गई, तो इन बार का एरिया भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो बार का एरिया हम कैसे हटाएंगे, माइनस कर देंगे आप ए एस सी, ठीक है, इंटू लीवर आर्म टू कितना है, लीवर आर्म टू है डी माइनस डी सी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, डी सी डिस्टेंस पे लग रहा है ऊपर से, तो इंटू डी माइनस डी सी, तो सी डैश इंटू ये कॉमन ले लेंगे ए एस सी 1.5 एम माइनस वन इंटू डी माइनस डी सी, ये हो गया सी टू, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया लीवर आर्म टू, ठीक है, और ये हो गया आपका लीवर आर्म वन, ये हुआ सी वन और ये हो गया आपका सी टू, ठीक है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं एक बार, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड सी वन इंटू लीवर आर्म वन प्लस सी टू इंटू लीवर आर्म टू, तो सी वन बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए बाई टू इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री प्लस सी टू सी डैश स्ट्रेस एरिया ए एस सी इंटू 1.5 एम माइनस वन इंटू लीवर आर्म डी माइनस डी सी, ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से, अब आप ये सोचेंगे क्योंकि ये सेक्शन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है तो ना आपको एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट पता है, ना आपको स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील ये पता है, ना आपको सी ए पता है ना सी डेस पता है, तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे स्ट्रेस डायग्राम से, आपको स्ट्रेस डायग्राम पता है, ये आपका सी ए है, ये आपका सी डैश है और ये आपका सिग्मा एस टी बाय एम है, टी ए बाय एम क्या है, सिग्मा एस टी बाय एम, आपको सारी डिस्टेंस पता है, ये आपको पता है कि ये एक्स ए है, ये आपको पता है ये डी सी है, ये आपको पता है ये एक्स ए माइनस डी सी है, ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डी है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी माइनस एक्स ए, ठीक है, अब आप इसमें सिमिलर ट्राइंगल लगा दीजिए, जब आप इसमें सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल, तो आपको ये दोनों वैल्यू सी ए की वैल्यू सी डैश की वैल्यू भी मिल जाएगी, पहले हम दोनों बड़े ट्राइंगल में लगाते हैं, तो ये वाली साइड सी ए अपॉन ये वाली साइड एक्स ए, सी ए अपॉन एक्स ए,
ये बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी साइड अपॉन बड़ी साइड, ये बड़ी साइड में क्या है, सिग्मा एस टी बाई एम, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन ये डी माइनस एक्स से, डी माइनस एक्स से, तो सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू डी माइनस एक्स से इंटू एक्स से। इससे आप सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे सी ए की वैल्यू निकालेंगे। अब आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं, तो ये बड़ी साइड सी ए हो गई अपॉन बड़ी साइड एक्स ए, सी ए अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू ये छोटी साइड सी डैश अपॉन ये एक्स ए माइनस डी सी डिस्टेंस है इसका, सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी। तो आप सी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, सी डैश बराबर सी ए अपॉन एक्स ए इंटू एक्स ए माइनस डी सी, इस तरह से आप निकाल देंगे। सी डैश की वैल्यू, तो इससे सी डैश की वैल्यू आ गई, सी ए की वैल्यू आ गई, आप इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे मना क्यों कर रहा हूँ कि डबली रीइंफोर्स सेक्शन में, चाहे ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो या अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो या बैलेंस सेक्शन हो, किसी भी प्रकार का सेक्शन हो, आप इसमें टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आपका C1 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लग रहा है C2, और यहाँ पे आपका T लग रहा है, ठीक है, ये XA है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस C1 तक की डिस्टेंस, इसकी CG कितनी होती है बेस से, XA बाई 3, तो Y1 बराबर क्या हो गया, XA बाई 3, और ये वाली डिस्टेंस C2 की डिस्टेंस कितनी है, Y2 बराबर DC पे लग रहा है ऊपर से, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D माइनस XA बाई 3। जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से निकालेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब आप टेंशन साइड से निकालेंगे तो क्या होगा, T इंटू लीवर आर्म, अब जो ये लीवर आर्म होगा ये आपको कंबाइंड लीवर आर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि C1 अलग लीवर आर्म पे लग रहा है, C2 अलग लीवर आर्म पे लग रहा है, तो आपको पहले इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा CR, और ये वाली डिस्टेंस आपको ये वाई बार, इसका कंबाइंड CG निकालना पड़ेगा। आप वाई बार कैसे निकालेंगे, C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, इससे आप कंबाइंड CG निकालेंगे पहले, और आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा C1 प्लस C2 करके, ठीक है, फिर जब आप इसमें निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से, तो T इंटू लीवर आर्म कंबाइंड कैसे हो जाएगा आपका, D माइनस वाई बार, तो ये वाई बार की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएंगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में, जब भी आप टेंशन साइड से निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका सेक्शन हो, चाहे अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो चाहे ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो, आप इससे निकालिए। अगर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है तो सिग्मा एस टी बाई एम की वैल्यू तो आपके पास होगी, और सिमिलर ट्रायंगल से आप सी ए और सी डैश की वैल्यू निकाल करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कंप्रेशन साइड से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि आपकी बीम डबली रीइंफोर्स बीम ओवर रीइंफोर्स्ड है, तब आप उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उस केस में भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से ही निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बीम का सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, बीम का सेक्शन ड्रॉ करते हैं। अभी हमें न्यूट्रल एक्सेस नहीं मालूम कहाँ है, तो हम इसको एक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस मान के चल रहे हैं। यहाँ पे हमने टेंसाइल रीइंफोर्समेंट दिया है, यहाँ पे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दिया है। जब आप आपका इसका इक्विवेलेंट सेक्शन बनाएंगे तो आप एरिया को, स्टील के एरिया को इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो अभी हम ये मानते हैं कि ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है। इसको करेंगे यदि हम, तो स्टील बार्स को हटा करके एक स्ट्रिप बना देंगे, और इसको जो एरिया इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट एरिया क्या हो जाएगा, एम इंटू ए एस टी, ठीक
ठीक है। यहाँ पे बार्स को मैं जानबूझ के इसको सॉलिड बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि बार्स को हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पे तो हम कंक्रीट का एरिया निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ हमें स्टील के एरिया से, क्योंकि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील ओनली, तो हमें यहाँ कंक्रीट के एरिया से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के इसको सॉलिड बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जब हमने इसका इक्विवेलेंट सेक्शन ड्रॉ किया तो इसमें से हमने बार्स को निकाल दिया, बार्स को निकाला तो ये हॉलो हो गई, और इसके एज अ कंपनसेशन इक्विवेलेंट एरिया के लिए हमने ये स्ट्रिप में इसका ऐसा इक्विवेलेंट एरिया दिया। तो जो इसका इक्विवेलेंट एरिया होगा, ए इक्विवेलेंट, ये होगा 1.5 m इंटू ए एस सी। यहाँ पे 1.5 m इसलिए किया क्योंकि ये 150% हो जाता है, 50% इसमें इलास्टिक स्ट्रेन के साथ साथ 50% क्रीप स्ट्रेन भी जुड़ जाता है, क्योंकि इस वाले सेक्शन में क्रीप की प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती हैं। अब आप जब इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, तो स्ट्रेस डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, यहाँ से प्रोजेक्ट जो टॉप एक्सट्रीम फाइबर है इसका प्रोजेक्ट कर दें आगे तक, और जो बॉटम एक्सट्रीम फाइबर है इसको भी प्रोजेक्ट कर दें आगे तक, और सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करें हम, ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी सबसे पहले, ठीक है। अब हम जानते हैं क्योंकि कंक्रीट न्यूट्रल एक्सिस के एरिया के नीचे कंक्रीट का एरिया निगलेक्ट होता है, इसलिए सिर्फ एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की लेवल पे, ठीक है, ये हो गया। और आपके टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे ये सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को मार्क कर लेते हैं, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही जाती है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों ही परमिसिबल लिमिट पे साथ साथ पहुँचते हैं, वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुँच गया, यहाँ पे स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुँच गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जाती है। तो एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम डॉटेड बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट निगलेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये वाली डेप्थ जो हुई, ये वाली तो आपकी डेप्थ हो गई क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस सी, ठीक है। अब आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन पर ध्यान दीजिए, सेक्शन है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, यानी कि इसमें स्टील क्या है, ज्यादा है, ओवर मतलब ज्यादा, स्टील अगर ज्यादा है तो सबसे पहले परमिसिबल लिमिट पे कौन पहुंचेगा एक्चुअल सिनेरियो में, क्योंकि स्टील ज्यादा है तो स्टील तो परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेगा नहीं, स्टील फेल नहीं होगा इसमें ओवर इन्फो सेक्शन में, फेल पहले क्या होगा कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंचेगा। तो कंक्रीट को हम यहाँ पे स्ट्रेस लेना शुरू किया, कंक्रीट को पहुंचा दे परमिसिबल लिमिट पे, कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच गया। लेकिन स्टील में क्या होगा, स्टील तो अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेगा नहीं, लेकिन स्टील समवेयर डाउन हेयर यहां तक ही पहुंच पाएगा, इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, दो पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन जा सकती है, सिर्फ एक, तो इन दोनों पॉइंट को आपने जोड़ दिया। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, सॉरी तो ये देखिए, ये आपको मिल गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहां पे एक्स ए, ठीक है, ये एक्स ए हो गया। और हमें यहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, जो कंप्रेशन स्टील है यहां से एक सीधी लाइन प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको स्ट्रेस मिलेगा सी डैश, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रेस है, क्योंकि ओवर इन्फो सेक्शन है इसलिए कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पहुंच गया, तो सी ए बराबर हो जाएगा सिग्मा सी बी सी के, लेकिन जो टी ए बाई एम होगा, टी ए बाई एम जो होगा ये यहां तक ही पहुंचा, ये क्या होगा कम होगा किससे, सिग्मा एस टी बाई एम से कम होगा, यानी कि सिग्मा एस टी बाई एम ग्रेटर होगा टी ए बाई एम से, तो टी ए बाई एम यहीं तक पहुंचा, ठीक है। अब आप इस केस में भी हमने बताया था आपको कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप हमेशा कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, तो सी ए बराबर सिग्मा सी बी सी वैल्यू तो आपको पता है, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से क्या होगा, सी वन इंटू लीवर आर्म वन प्लस सी टू इंटू लीवर आर्म टू। सी वन क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। अब इसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर ली हमने, ये है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो हो गया, हरे पेन से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाली डेप्थ जो होगी ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गई एक्स ए, ठीक है, ये आपकी बी है, विड्थ ऑफ द बीम। तो सी वन क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस कितना लग रहा है, यहाँ पे सी ए लग रहा है, सिग्मा सी बी सी लग रहा है, यहाँ पे जीरो लग रहा है, तो एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी प्लस जीरो बाई टू, ये हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कितना है बी इंटू एक्स ए इंटू बी इंटू एक्स ए,
ये हो गया आपका फोर्स, और लीवर आर्म वन कितना हो जाएगा, लीवर आर्म वन ये हो गया आपका सी वन, कितनी डिस्टेंस पे लगता है सी जी, कितनी डिस्टेंस पे होती है बेस से, एक्स ए बाई थ्री पे होती है, तो ये हो गया एक्स ए बाई थ्री। तो लीवर आर्म वन क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री लीवर आर्म वन। ये देखिए ये यहां से टॉप से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस डी है, और ये वाला डिस्टेंस एक्स ए बाई थ्री है, तो ये वाला डिस्टेंस डी माइनस एक्स ए बाई थ्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ठीक है, प्लस सी टू। एक बार फिर देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, कंप्रेशन साइड से सी वन इंटू लीवर आर्म वन, सी टू इंटू लीवर आर्म टू, ठीक है। तो सी वन क्या होगा, ये सी वन फोर्स लग रहा है, इसकी सी जी पे लग रहा है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे स्ट्रेस सी ए है, यहाँ पे जीरो है, ट्रायंगल की सी जी बेस से एक्स ए बाई थ्री पर होती है, तो ये डिस्टेंस एक्स ए बाई थ्री है, पूरी डिस्टेंस डी है, तो ये लीवर आर्म वन डी माइनस एक्स ए बाई थ्री हो जाएगा, ये डी है, ये एक्स ए बाई थ्री है, तो ये वाली डिस्टेंस डी माइनस एक्स ए बाई थ्री हो जाएगी। सी वन क्या है, कितने एरिया पे लग रहा है, ये बी इंटू एक्स ए, कंप्रेशन आता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये बी और ये एक्स ए, तो बी इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस जीरो बाई टू, ये स्ट्रेस होगा, एवरेज स्ट्रेस लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी है और यहाँ पे जीरो है, तो एवरेज सिग्मा सी बी सी प्लस जीरो बाई टू, और लीवर आर्म इंटू बी इंटू एक्स ए कंप्रेशन एरिया इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री प्लस सी टू। सी टू देखिए ये कहाँ लग रहा है, ये कॉन्क्रीट में जो कंप्रेशन स्टील के लेवल पे, यहाँ पर, यहाँ पे जो है सी टू फोर्स लग रहा है, ये सी टू फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना है, इस पे स्ट्रेस कितना है सी डैश, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, तो सबसे पहले स्ट्रेस ले लेंगे, सी डैश इंटू एरिया कितना है, इक्विवेलेंट एरिया कितना हो जाएगा 1.5 m इंटू ए एस सी, 1.5 m इंटू ए एस सी, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, स्टील के एरिया को कंक्रीट के एरिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये स्टील का एरिया है, इसको हटाना भी तो पड़ेगा, तो माइनस ए एस सी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। अब लीवर आर्म देखिए, यहाँ ऊपर से लेके ये सी टू को कितनी पोजीशन पे लग रहा है, वाई टू बराबर डी सी डिस्टेंस पे, क्योंकि इसका कवर कितना होता है डी सी, टॉप एक्सट्रीम फाइबर से बार के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है डी सी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी लीवर आर्म टू, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये लीवर आर्म टू होगा, तो ये कितना होगा, ये टोटल डी है और ये है डी सी, ये डी सी है, ये टोटल डी है और ये डी सी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी माइनस डी सी इंटू डी माइनस डी सी, ये लीवर आर्म क्या हो जाएगा डी माइनस डी सी, ठीक है। तो अब ओवर इन्फो सेक्शन है, तो आपको ये तो पता है कि सी ए की वैल्यू तो सिग्मा सी बी सी है, लेकिन ये सी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन सिमिलर ट्राइंगल लगा दीजिए आप, सिमिलर ट्राइंगल से क्या होगा, ये बड़ी साइड कितनी है सी ए अपॉन बड़ी साइड एक्स ए, तो सी ए अपॉन एक्स ए बराबर छोटी साइड अपॉन छोटी साइड ये कितनी है, ये साइड कितनी है सी डैश अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस एक्स ए है और ये वाली डिस्टेंस डी सी है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस एक्स ए माइनस डी सी, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स ए है, ये डिस्टेंस डी सी है, ये डिस्टेंस एक्स ए माइनस डी सी हो जाएगी, तो सी ए अपॉन एक्स ए, तो छोटी साइड सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी, तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी सी ए अपॉन एक्स ए इंटू एक्स ए माइनस डी सी, ठीक है। तो इससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कंप्रेशन साइड से, ओवर रीइंफोर्स बीम, ओवर रीइंफोर्स डबली, ओवर रीइंफोर्स डबली बीम के सेक्शन के केस में।
सिग्मा सी बी सी आपको पता है, सी डैस आप इस तरह से निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकाल लेंगे, टेंशन साइड से आपको निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी वन सी टू अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। वाई वन वाई टू अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहे हैं, एक वाई बार निकालना पड़ेगा, फिर टी इंटू डी माइनस वाई बार से आपका निकलेगा, तो लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। रही बात टी ए बाई एम की, ये कैसे निकालेंगे, ये भी आप सिमिलर ट्राइंगल से अगर स्ट्रेस पूछ लेता है तो भी सिमिलर ट्राइंगल लगा देंगे आप, सिमिलर ट्राइंगल। ये कैसे निकालेंगे, बड़ी साइड सी ए अपॉन बड़ी साइड एक्स ए बराबर ये वाला ट्राइंगल सिमिलर इज सिमिलर विद दिस वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल सिमिलर विद दिस ट्राइंगल, तो ये वाली डिस्टेंस सी ए अपॉन बड़ी डिस्टेंस एक्स ए, और ये वाली डिस्टेंस टी ए बाई एम अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस डी है और ये एक्स ए है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी माइनस एक्स ए, टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए, तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो इससे आप टेंसाइल स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं बिना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड के निकाले बिना, आप सारी कैलकुलेशन कंप्रेशन साइड से कर सकते हैं। कंप्रेशन साइड डबली रीइंफोर्स बीम के केस में सारी कैलकुलेशन आपको कंप्रेशन साइड से ही करनी है, ठीक है, जिससे आपको कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन ऑफ साइज 300 mm बाई 600 mm, एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट दिया है, पांच बार्स दे रखे हैं 20 mm डायमीटर की, और इफेक्टिव कवर 50 mm का दिया है, और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दे रखा है, तीन बार्स दी रखी हैं 16 mm डायमीटर की, और इफेक्टिव कवर दिया है 50 mm का। तो सबसे पहले काम हम करते हैं कि सबसे पहले सेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले सेक्शन ड्रॉ करते हैं 300 बाई 600 एमएम का। ये देखिए जो विड्थ है इसकी बीम की, ये 300 एमएम है, बी की वैल्यू दी है 300 एमएम, और जो ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू है, ये ओवरऑल डेप्थ दी है क्योंकि हमें इफेक्टिव कवर दे रखा है अलग से, मतलब कि ये ओवरऑल डेप्थ है, तो ये डी की वैल्यू जो दी है ये हमें दे रखी है 600 एम एम। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा सेक्शन है, ओवर इन्फो सेक्शन है अंडर इन्फो सेक्शन है, तो सबसे पहले हम ये सोच ले मान लेते हैं कि इसका जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये कंप्रेशन में होगा, ये टेंशन में होगा, नीचे वाला पोर्शन हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के नीचे टेंशन आता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, और ऊपर कंप्रेशन आता है। तो टेंशन रीइंफोर्समेंट तीन बार दे रखे हैं 16 mm, पांच बार दे रखे हैं 20 mm डायमीटर की, तो पांच बार बना दीजिए 1 2 3 4 5, ये एस टी दिया है, पांच नंबर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पांच नंबर्स एट द रेट 20 mm डाया। ठीक है, और कंप्रेशन स्टील दे रखा है तीन बार दे रखे हैं 16 mm डायमीटर की, तीन बार बना दीजिए 1 2 3, ये हो गया आपका ए एस सी 3 NOS एट द रेट 16 mm डाया। ठीक है, तो ये सेक्शन बन गया आपका, ये कवर आपको दे रखा है ये वाला इफेक्टिव कवर, ये दिया है आपको 50 का, और ये जो डीसी डिस्टेंस है इसका कवर ये भी आपको दिया है 50 mm का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सेक्शन बनाते हैं। इक्विवेलेंट सेक्शन बनाने के लिए जो आपकी बीम का टॉप फाइबर है यहाँ से एक प्रोजेक्शन खींच दीजिए सीधा, और यहाँ से भी एक प्रोजेक्शन खींच दीजिए सीधा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेक्शन बनाते हैं, सबसे पहले इसमें क्या है, हम इक्विवेलेंट एरिया लिखते हैं, तो ये स्टील बार्स को हमने हटाया,
तो एक स्ट्रिप बना दी सीधी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया बन गया इक्विवेलेंट एम इंटू ए एस टी। ठीक है, इसी प्रकार क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस मार्क कर ली इसके ऊपर, इन बार्स को हटाएंगे। अब मैं फिर से ये बताना चाहूँगा आपको कि कंप्रेशन जोन में जो स्टील रहते हैं उसको मैं इंटेंशनली सॉलिड फॉर्म में बनाता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे कि जब इसको बार्स को निकालेंगे तो ये हॉलो हो जाएंगी, और जब इसके एरिया की कैलकुलेशन की जाएगी तो इसमें एरिया ऑफ स्टील को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इंटेंशनली हॉलो बनाता हूँ, सॉलिड बना के फिर हॉलो करता हूँ इक्विवेलेंट सेक्शन में। तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1.5 mASC। 1.5 m इसलिए लेते हैं क्योंकि 50% इसमें प्लास्टिक क्रीप स्ट्रेन भी रहता है। ठीक है, अब फिर इसको अपन ने प्रोजेक्ट किया आगे। अब हम देखते हैं इसमें एक्सी और एक्सए की कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ओवर रिइंफोर्स्ड है या अंडर रिइंफोर्स्ड है। तो सबसे पहले आप एक्सए निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक्सी की पोजिशन तो मार्क कर ही सकते हैं, तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। अब टेंशन जो रीइंफोर्समेंट है इसके सामने जस्ट एक सीधी लाइन बनाएंगे, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी सिग्मा एस टी को रिप्रेजेंट करेगी, और कंप्रेशन के सामने जो लाइन होगी ये सिग्मा सी बी सी को। इन दोनों पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। तो ये आपने एक्स ही मार्क कर दिया। ठीक है, और जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लेवल पे एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी इसको आप बोलोगे सी डैश, इसको आप बोलोगे सी डैश। अभी आपको सी ए बाई एम और टी ए बाई एम की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ एरिया लेंगे। मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया फ्रॉम कंप्रेशन साइड, बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन साइड। तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, एरिया अंडर कंप्रेशन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस। एरिया अंडर कंप्रेशन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस बराबर एरिया। तो कंप्रेशन एरिया में क्या होगा, एरिया अंडर कंप्रेशन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस। ऐसे ही सिमिलरली एरिया इन मोमेंट ऑफ एरिया अंडर टेंशन साइड इज एरिया इन टेंशन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब एरिया अंडर कंप्रेशन कितना है ये देखिए, बी इंटू एक्स ए, ये बी इंटू एक्स ए, जो भी होगा एक्स ए अभी हमें पता नहीं है, बी इंटू एक्स ए। ठीक है, इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, अगर ये अगर एक्स ए है, मान लीजिए अभी फॉर इंस्टेंस अगर ये एक्स ए है, ठीक है, और ये बी है, तो फॉर इंस्टेंस कंप्रेशन एरिया कितना होगा, बी इंटू एक्स ए, और डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस एक्स ए बाई टू इंटू एक्स ए बाई टू। ठीक है, ये तो हो गया। अब प्लस इसमें ये एरिया ऑफ स्टील भी दे रखा है, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट एरिया लिखेंगे 1.5 m into ASC, 1.5 m into ASC। कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स ए है और ये डिस्टेंस डी सी है, ऊपर से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस डी सी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है,
एरिया कितना हुआ 1.5 एम इंटू ए एस सी, और डिस्टेंस कितना हुआ न्यूट्रल एक्सिस से एक्स ए माइनस डी सी, तो एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है, ये तो हुआ एरिया इक्विवेलेंट एरिया। लेकिन अब मैंने जैसा बताया था कि अपन ने हॉलो पोर्शन सॉलिड पोर्शन से जब बार्स निकाली तो ये हॉलो हो गई, तो ये एरिया इसका स्टील का एरिया माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस ए एस सी, ए एस सी माइनस हुआ कितनी डिस्टेंस से माइनस हुआ एक्स ए माइनस डी सी से, एक्स ए माइनस डी सी से बराबर एरिया इन टेंशन। एरिया इन टेंशन कितना है एम इंटू ए एस टी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्स ए है, ये ऊपर से लेके नीचे तक बार के सेंटर तक का डी है डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स ए, वाला डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एम इंटू एस टी डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा सी जी, इसकी सी जी से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। अब बस आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, डी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 300 mm, तो 300 एक्स ए हमें निकालना है, तो एक्स ए इंटू एक्स ए कितना हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस 1.5 m, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी कॉमन आ रहा है, तो 1.5 m माइनस वन ये कॉमन आ जाएगा ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी बराबर m इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए। डी कितना है 600 mm है और 50 mm का कवर है, तो d कितना हो जाएगा 600 माइनस 50 यानी कि 550, तो ये कितना हो जाएगा 550 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 300 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, और ग्रेड दिया है हमें, ग्रेड दिया है m20 और Fe415। ठीक है, तो m20 के लिए कितना हो जाएगा m की वैल्यू 280 अपॉन 3, m की वैल्यू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होती है 7, तो ये कितना निकल के आएगा m, कैलकुलेट करिए, m की वैल्यू निकल के आएगी लगभग 13, तो प्लस 1.5 इंटू 13 माइनस 1 इंटू ए एस सी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितनी दी है 3 बार्स दे रखी है 16 mm डायमीटर की, इंटू ए एस सी कितना हो जाएगा 3 × π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए निकालना है हमें और डी सी की वैल्यू दी है 50 बराबर एम इंटू ए एस टी, एम की वैल्यू 13, ए एस टी कितना दिया है स्टील 5 बार दी हैं 20 mm डायमीटर की, 5 × π/4 इंटू 20 इसका 20 का स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स ए यानी कि 550 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करिए पॉज करके, ये वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन को पॉज करके सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ए की वैल्यू निकल करके आएगी 194.13, ये एक्स ए की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे आप, एक्स सी की वैल्यू पता है हमें क्या होती है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू
डी, ठीक है, तो रख देंगे एम की वैल्यू कितनी, 13, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7, एम की वैल्यू 13, सिग्मा सी बी सी वैल्यू 7 प्लस सिग्मा एस टी 415 के लिए कितना होता है, 415 के लिए होता है कितना, 415/1.8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस सिग्मा एस टी 415 के लिए होता है 230 इंटू डी की वैल्यू 550, ठीक है। तो जब आप एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे, निकालिए पॉज करके, तो एक्स सी की वैल्यू आएगी आपकी 155। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक्स ए की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन एक्स सी, तो जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स सी होती है तो ये क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को पूरा कर सकते हैं, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हमें बनाना है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन यानी कि सी ए, तो सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा सी बी सी के बराबर हो जाएगी, लेकिन जो टी बाई एम होगा ये अपनी परमिसेबल लिमिट तक नहीं पहुँचेगा, ये कहीं यहीं तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपकी जो एक्चुअल डेप्थ निकल के आई एक्स ए की, ये निकल के आई, ये एक्स ए हो गया, ठीक है। तो आप इसमें सिमिलर ट्राइंगल से सी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश के लिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल निकालेंगे, लगाएंगे आप इसमें, तो सिमिलर ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, बड़ी साइड अपॉन बड़ी साइड यानी कि सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए, ठीक है, तो सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए बराबर छोटी साइड अपॉन छोटी साइड, छोटी साइड कितनी है, सी डैश अपॉन ये एक्स ए है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स ए माइनस डी सी, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी, सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी, सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा सी बी सी पता है 7 और आपको एक्स की वैल्यू पता है 194.13 बराबर, सी डैश की वैल्यू निकालना है, एक्स ए माइनस डी सी क्या हो जाएगा 194.13 माइनस 50, इससे आप सी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सी डैश की वैल्यू जब आप, इससे आप सी डैश की वैल्यू निकालेंगे, जब आप सी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 5.1, 5.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंप्रेशन साइड से सी वन इंटू लीवर आर्म वन प्लस सी टू इंटू लीवर आर्म टू, सी वन क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस क्या है, सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस है सिग्मा सी बी सी, यहाँ पे जीरो हो गया, तो एवरेज स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2 इंटू एरिया बी इंटू एक्स ए, 300 बी इंटू एक्स ए कितना था आपका, 194.13 इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी 550 माइनस एक्स ए बाई थ्री 194.13 डिवाइड बाई थ्री प्लस सी टू, सी टू क्या होगा, स्ट्रेस सी डैश, सी डैश कितना था 5.1 इंटू एरिया 1.5 एम माइनस वन एम 13 माइनस वन, ए एस सी, ए एस सी कितना है 3 इंटू 5/4 इंटू कितनी है 16 mm, 3 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू डी माइनस डी सी
डी कितना है 550 माइनस डी सी कितना है, इससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा 127.94 किलोमीटर।